माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही इजी बैग पैटर्न लेकर आई हूँ। उसके लिए मैंने एक कॉटन का धागा लिया है और दो हमें क्रोशिया चाहिएंगे, एक हमें मोटा वाला क्रोशिया चाहिएगा और एक है हमारा 3.5 नंबर का क्रोशिया है हमारे पास 3.5 नंबर का क्रोशिया और दो हमें इस तरह की सेफ्टी पिन चाहिएंगी और एक हमें ये मोटी वाली सूई। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा बैग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम इस तरह से धागा पकड़ेंगे और इसमें ये मोटा वाला क्रोशिया लेंगे और इस तरह से क्रोशिया रखते हुए हम एक गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, इसी तरह से बनाते हुए हम 89 चैन बना लेंगे। 89 चैन बनाकर फिर यहाँ पे हमने 89 चैन बना लिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्रोशिया चेंज करेंगे, पहले वाली चैन को छोड़ करके दूसरे वाली चैन के पिछले वाले लूप में से इसमें से इसको छोड़ेंगे और इसके पिछले वाले लूप में से यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह। अभी अगले वाले में इस तरह क्रोशिया को धागे के ऊपर चढ़ाएंगे और इसमें से वापस से डबल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से इसमें इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच, अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया, फिर स्लिप स्टिच, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, इस तरह से बन के आएगा और पीछे की तरफ ये इस तरह से आएगा। इसी तरह से हम ये पूरे लाइन को यहाँ तक बना लेंगे, पूरी चैन को बनाकर दिखा, पूरी लाइन को यहाँ तक बना लिया इसी तरह से। ये बैक साइड है, हमें इस लाइन का एंड यहाँ जहाँ पे ये हाफ डबल क्रोशिया वहाँ पे करना है। ये एक चैन बच गई है, अब हम इसको यहाँ से खोल देंगे। अब इसको हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और इस तरह से टर्न करेंगे। ये इस तरह से चैन बन के आ गई हमारी। अब हम ये पिछले वाले फंदे में से इस वाले फंदे में से बुनाई करनी है। फर्स्ट हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, अब दूसरे वाले में हाफ डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया। जैसे हमने पहली वाली लाइन को बनाया था उसी तरीके से हम दूसरे वाली लाइन को बनाएंगे, स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, इस तरह से आए गए। इसी तरह से पूरी यहाँ तक बनाऊंगी, बनाकर फिर दिखाती हूँ। दूसरी लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से बन के आया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमेशा एंड ये हाफ डबल क्रोशिया पर होगा और स्टार्टिंग हमारी स्लिप स्टिच पर होगी। अब हम एक चैन लेंगे इस तरह से और फिर इसको इस तरह सामने की तरफ टर्न करेंगे और फिर वापस से बैक लूप में से इसी तरह से स्लिप स्टिच, हमेशा स्टार्ट हमारी स्लिप स्टिच से होगा इसी तरह से। अब हाफ डबल क्रोशिया, फिर से स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरह से बन के आएगा। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं कोई चीज़ आपको नहीं समझा पाई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगी।
इसी तरह से हम इस पूरे पैटर्न को बनाएंगे। इस तरह से आएगा 1 2 3, ये तीन लाइन हमारी तीसरी लाइन चल रही है। इसी तरह से हम 35 लाइन से बनाएंगे। बना कर फिर दिखाती हूँ मैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ तक बना लिया, 35 लाइन्स बना ली है। ये हमारा उल्टी साइड है, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो ये वाला हिस्सा ही दबा हुआ है, यानी कि डिज़ाइन हमारा इस साइड है। तो जहाँ ये फर्स्ट लाइन में डिज़ाइन ऊपर की साइड है, वो हमारा सीधी साइड होगा इस तरह से। अब हम इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 और ये 35 लाइन हो गई है। अब हम इसको, ये उल्टी साइड है, यहाँ पे एक चैन लेंगे इस तरह वापस से अपने साइड, ये देखिए टर्न करेंगे इस तरह से, जैसे हमने हर बार इसी तरह सामने से टर्न करना था इसको। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे इसमें इस तरह। अब अगले वाले चैन में, जैसे हम हर बार पिछले वाले लूप में से बनाते आए, जो ये हमारे सीधे वाला है, इसके पिछले वाले लूप में से ही हमें स्लिप स्टिच बनानी है। अब हमें हाफ डबल क्रोशे या स्लिप स्टिच इस तरह से नहीं बनाना है, हर एक चैन में स्लिप स्टिच। हर एक चैन के पिछले वाले लूप में से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, तो ये इस तरह से बन के आएगा। इसी तरह से हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और दोनों साइड बनाएंगे सेम तरीके से। इस साइड मैंने बना लिया ये आधा, बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये दोनों साइड से इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच से बना लिया है सेम इस साइड से भी। अब हम यहाँ पे एक चैन लेकर इस तरह से और इस धागे को काट देंगे। इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये हमारी टोटल 88 फंदे हैं। स्टार्टिंग में हमने एक स्किप कर दिया था, तो ये हमारे टोटल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 88 फंदे हैं। तो हम बीच में 10 फंदे छोड़ेंगे और इधर 39 और 39 फंदे इधर कर देंगे। काउंट करके हम यहाँ पे दोनों साइड मार्क लगाते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से चैन को काउंट नहीं करेंगे इससे अलग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 यहाँ पे तो यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे इसमें इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे 39 फंदे हैं, ये बीच में 10 फंदे गिनेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें वाले फंदे में भी मार्क लगा देंगे। अब इधर भी हमारे 39 फंदे बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 टोटली 39 फंदे बीच में हमारे 10 फंदे हैं। सेम इसी तरीके से हम इधर भी मार्क लगा लेंगे। अब हम यहाँ से, ये हमारा सीधी साइड है, तो हम इस तरह से घुमाएंगे, इस धागे को हम नहीं काटेंगे। ये एक चैन बनी हुई है, अब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे सेम सामने की तरफ। अब हम यहाँ पे इसमें ये इस तरह से चैन बन के आई है, तो पहले वाले फंदे में इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह। अब अगले वाले फंदे में हाफ डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया,
ये हमारी उल्टी साइड है तो हमें उल्टी साइड की तरफ से ही बनाना है, क्योंकि हमारा ये वाला डिज़ाइन पीछे की साइड उभर के आता है। तो हम ऐसे बनाएंगे। अब इसमें स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच। इसी तरह से जो ये मार्क लगाया है यहाँ तक हम बनाएंगे। बनाकर दिखाती हूँ, यहाँ तक इसको बना लिया है। अभी लास्ट में एक फंदा बचा है, इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। अब इसको छोड़ेंगे, इसमें स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ तक बनाएंगे। बनाकर दिखाती हूँ, यहाँ तक दूसरी वाली लाइन कंप्लीट कर लिया है। फिर एक चैन लेंगे और इस तरह से घुमाएंगे। जो हमने ये पहले यहाँ से इधर साइड बनना शुरू किया था, तो हमने फ्रंट साइड से फ्रंट वाले फंदे में से बुनाई की थी। अब हम पिछले वाले फंदे में से बुनाई कर रहे हैं। जो ये दूसरी वाली लाइन बुनी है वो भी पिछले वाले फंदे में से बुनी है। अब इसको भी पिछले वाले फंदे में से स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशे, स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशे, स्लिप स्टिच। एक दो तीन, तीन लाइन, तीसरी लाइन चल रही है। इसके अलावा हम चार लाइन और बनाएंगे, टोटल हम सात लाइन बनाएंगे। बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये मैंने बना लिया है इस तरह से, पूरी सात लाइन बना ली है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये हमारा सीधी साइड है। और सीधी साइड ही ये इस तरह से एंड होएगा। अब हम इसको सिलेंगे, अभी नहीं सिलेंगे, जैसे हमने ये बनाया है सेम उसी तरीके से इधर भी हम इधर बराबर काउंट करके बीच में 10 फंदे छोड़ करके, और फिर जैसे इसको बनाया सेम उसी तरीके से बना लेंगे। बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये मैंने दोनों साइड से बना लिया है, इस साइड से भी और इधर साइड से भी। अब हम इस धागे को जो हमने एंड किया था, इस धागे को हम काटेंगे नहीं, इसी तरह से रखेंगे। और ये हमारा उल्टी साइड है और ये हमारा सीधी साइड है। तो सीधी साइड हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड बाहर की तरफ रखेंगे और सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और इसको ऐसे पकड़ेंगे। यहाँ पे हमारे जो 10 फंदे थे ये मार्क लगा हुआ है। अब इससे एक फंदा इधर, यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से इसको इसी तरह छोड़ेंगे। यहाँ पे हमने कोई चैन नहीं ली है। अब इसका ये वाला फंदा इस तरह से चैन बन के आएगी, तो ये वाला फंदा यहाँ से, और इसका पीछे वाला फंदा, ये पिछले वाला, इस वाले फंदे से नहीं बुनेंगे, पिछले वाले से। ये पहले वाले चैन को यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, अगले वाले में ये वाला फंदा और इसका पिछले वाला फंदा, इस तरह से स्लिप स्टिच, और फिर से सामने वाला और इसका पिछले वाला। स्लिप स्टिच, इसी तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। हर एक फंदे को इसी तरह आमने सामने मिलाते हुए इस तरह से सिलते हुए जाएंगे। इसको हम लूज नहीं छोड़ेंगे, टाइट करते हुए सिलाई करेंगे इसकी स्लिप स्टिच से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मेरे चैनल पर आपको इसी तरह का कंटेंट मिलेगा। अगर मैं कोई चीज़ आपको नहीं समझा पाई हूँ वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से यहाँ तक सिलेंगे, सिल के दिखाती हूँ। यहाँ तक इसको पूरा सिल लिया है इसी तरीके से। अब यहाँ पे एक चैन लेंगे और टाइट करते हुए इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे। थोड़ा धागा छोड़ेंगे और इस तरह से खींच देंगे धागे को। अब ये एक धागा लेंगे, इसको हम लगभग इतना ज़्यादा लंबा धागा नहीं चाहिए, यहाँ से कट कर देंगे। और जो ये मार्क लगा हुआ है इसको हम खोल देंगे। सुई लेंगे, अब हम सिलेंगे इसको। ये पहले वाली चैन, यहाँ से हमने ये बनाना शुरू किया, इस वाली चैन को छोड़ देंगे और यहाँ से इस तरह और इसका ये वाला फंदा, ये ऊपर वाली चैन, इसमें से सिलेंगे हम। इस धागे को इसी तरह छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर गांठ लगा देंगे इसको सिलने के बाद टाइट, और इन धागों को काट। इसको हम पलट कर देखेंगे। ये देखिए इस तरह से सिल के आ जाएगा। ये हमने जो स्लिप स्टिच से सिलाई की थी, ये इस तरह से सिल के आएगा। अब सेम इसी तरीके से हम यहाँ से सिलेंगे, दूसरी साइड से सिलकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये दोनों साइड से सिल दिया है मैंने इस तरह से। ये सीधा साइड है, मैंने इसको सीधा कर लिया है। इस तरह से आएगा ये सिलने के बाद। यहाँ से मैंने धागे को काट दिया था एक साइड से, इधर से जब हमने इसको सिला था तो यहाँ से धागे को कट किया था। अब दूसरे साइड से मैंने धागे को अभी काटा नहीं है। अब हम इसको इस तरह से बनाएंगे, धागे को ऐसे ही रहने देंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे। दूसरी साइड से कट कर दिया था, इस साइड से हमने अभी काटा नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आप देखेंगे ये अभी इस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से। अभी हम इसको यहाँ इस तरह से बनाएंगे स्लिप स्टिच से, ये धागा इसको यहाँ पे लाएंगे। अब इसमें से हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, टाइट करेंगे। अब ये देख सकते हैं धागा, इसमें से बनाएंगे ये। अब ये वाला फंदा जो दिखाई दे रहा है, इसमें से इस तरह से स्लिप स्टिच, फिर से ये दो फंदे, यहाँ से स्लिप स्टिच, फिर से स्लिप स्टिच, अब इस वाले फंदे में से, अब यहाँ से इस तरह से आ रहा है।
अभी ये खींचा है और यहाँ से इस तरह से खींच रहा है, अब यहाँ खींच के देखेंगे ये नहीं बढ़ रहा है इधर साइड से, तो इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। चारों तरफ से मैं बना लूंगी, यहाँ तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। स्लिप स्टिच से बनाते हुए यहाँ तक मैंने बना लिया है, ये इस तरह से बन के आएगा दोनों साइड से, इधर से इस तरह से आएगा, बाहर की साइड से इस तरह से। अब यहाँ से हमने इसको शुरू किया था, यहाँ तक बना लिया है, इसको धागे को हम इतना काट देंगे। सुई लेंगे, सुई से हम इस धागे को बाहर की साइड खींचेंगे, जहाँ हमने शुरू में ये बनाए थे, ये चैन बनाई थी, यहाँ से इसको छोड़ करके यहाँ से अगले वाले में से इस तरह से निकालेंगे। और जो ये यहाँ पे हमने धागे को खींचा यहीं से इस तरह से नीचे साइड निकाल देंगे, इस तरह से पूरी फिनिशिंग से जुड़ जाएगा। अब हम इस धागे को अंदर की साइड छुपा देंगे। देखिए इस तरह से हम छुपा देंगे इसको, अब इस धागे को हम काट देंगे। इस तरह से आ जाएगा। अब हम एक धागा लेंगे, लगभग किलोची के बराबर इतना इसका डबल छोड़ देंगे। यहाँ से हम इस तरह से गांठ लगाएंगे, हम यहाँ पांच चैन लेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार चैन लेंगे सॉरी। अब हम एक इसको छोड़ करके दूसरे वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया, अब नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, चैन लेंगे, इसे इस तरह घुमाएंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, अब नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, यहाँ जो शुरू में बनाया था यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया, इस तरह फिर एक चैन लेंगे, अब फिर इस तरह टर्न करेंगे, स्टार्टिंग में जो बनाए यहाँ पर भी इस तरह से सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ अगले वाले चैन में सिंगल क्रोशिया, अब नेक्स्ट वाले चैन में फिर से इस तरह से चैन बनाएंगे, अब अगले वाले चैन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, इसमें भी इसी तरह से बनाते हुए हम 30 इंच की डोरी बना लेंगे, बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम तरीके से बनाते हुए ये मैंने 30 इंच की डोरी बना ली है। तीस से साढ़े तीस इकतीस इतना चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब हम इसको यहाँ से धागे को लगभग इतना छोड़ते हुए काट देंगे, इतना हम बैग लेंगे, जो हमने ये साइड में सात चैन बनाई थी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चैन हो गई, ये चार सात लाइन बनाई थी, चार ये पैटर्न हमारे उभरे हुए हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन, ये तीन दबे हुए हैं, तो बीच वाले ये हमारा सेंटर है। यहाँ से इस तरह से अंदर की साइड हम इस तरह से मोड़ेंगे, यहाँ पर हम एक चैन लगा देंगे, बना देंगे इस तरह से,
धागे को खींच दें। अब हम इसको सिलेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इस चैन को रखेंगे लगभग 1 से 1.5 इंच अंदर साइड इस तरह से, और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह से सिल के आ जाएगा। अब यहाँ से गांठ लगाकर इसको पक्का कर देंगे। और इस धागे को अंदर से अच्छे से देंगे। धागे को यहाँ से काट देंगे। इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे सेंटर पे, और इधर ही हमारा सेंटर। अब सेम इसी तरह से हम यहाँ पर सिलेंगे दूसरी साइड, इस तरह से इसका बल उतारते हुए इस तरह से रखेंगे। उसी तरह से 1, 2, 3, 4 उभरे हुए डिजाइन, 3 दबे हुए डिजाइन है, तो यहाँ से 1.5 इंच अंदर साइड रखते हुए इस तरह से इसको वैसे ही सिल देंगे जैसे हमने इस साइड सिला था। सिलकर फिर दिखाती हूँ। इस तरह से दोनों साइड से सिल दिया है। ये देखिए बहुत प्यारा सा और बहुत ही खूबसूरत सा ये बैग बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर से करना, और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलूंगी ऐसे नए बैग डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।